हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखें कि हमको वर्ग समीकरण वर्ग का व्यापक सूत्र है। क्या होता है? ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। इसका विविक्त कर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इनके कुछ, हाँ, तो अभी सभी छात्रों ने देखा होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? विविक्त कर। तो यदि d का मान पॉजिटिव हो है, d का मान पॉजिटिव है, इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि डी का मान जीरो है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? डी का मान यदि नेगेटिव है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये तीन कंडीशन है, इनको बच्चे अच्छे से ध्यान रखें। अब हम इससे संबंधित आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1, इसमें हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और उन्हें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल जीरो। तो हम यहां देखते हैं, इससे तुलना करने पर ए इक्वल टू कितना? 2, बी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 5। अब हम विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू रख दीजिए आप, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इक्वल टू सी 2 और सी इक्वल टू 5। यह वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4, 40। यह वैल्यू जो है आपकी माइनस 31, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है? मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं इसी प्रकार से कि डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू रख दीजिए, बी कितना है? माइनस 4 बरमूल 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए इक्वल है 3 और सी इक्वल है 4।
टी इक्वल टू है यहाँ पर कितना है, 4। को सिंपल करिए आप, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, और 16 × 3 48, और यहाँ हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, डी इक्वल 0। तो कैसे, मूल, वास्तविक तथा बराबर होंगे। इसी प्रकार से तीसरा भी आप लोग करने की कोशिश करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हमको मूल बराबर हो तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। मूल बराबर होंगे यदि डी का मान 0। डी का मान 0 मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना दिया हुआ है 2, और सी इक्वल टू 3 इक्वल 0। कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 3 24 इक्वल 0। तो के स्क्वायर इक्वल 24। तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 24। तो अगर चाहे तो आप 2 बाहर निकाल दें और अंदर √6। इसी प्रकार से सभी छात्र सेकंड भी करके देख लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर एक आम की के बारे में दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो उसका क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सभी छात्र एक काम करेंगे, एक ये आम की जो बगिया होगी वो आयताकार होगी। यदि इसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। यहां पर माना चौड़ाई x है तथा लंबाई कितना होगा, 2x। क्लियर। अब हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल कितना दिया हुआ है, 800। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई लंबाई 2x है,
तो लंबाई 2x है और चौड़ाई x इक्वल टू 800। तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 2x² इक्वल 800, x² इक्वल टू 800/2, 400, x इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई, और 2x इक्वल टू 2 × 20, 40 मीटर। ये क्या आपकी आ जाएगी लंबाई। ठीक है, ये आपके आंसर हैं। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन ये आप घर में करके देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसको घर में करके देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।